हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड, आज मैं आप सभी को एक ऐसे कैटरपिलर के बारे में बताने वाली हूं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर का होता है और इसमें कुछ ब्राउन कलर के रोएं जैसे होते हैं। तो ये इतना ख़तरनाक है कि अगर आपके प्लांट्स में ये 24 घंटे भी रह जाए तो आपके पूरे के पूरे प्लांट्स को खाने की क्षमता रखता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे गमले में कोई प्लांट्स था भी कि नहीं। इसका मैं आपको एक साक्षात प्रमाण दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये मेरी सिंगोनियम की कटिंग थी और इन्होंने इसमें एक भी पत्ती नहीं छोड़ी थी, जबकि ये एक बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा था और बहुत ही हेल्दी प्लांट था। तो जब मेरा ये प्लांट खाया तो मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई कि आखिर ऐसा क्या है कि मेरा ये प्लांट गायब हो गया। तो मैंने पाया कि ये कुछ कैटरपिलर हैं जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको इनको पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके के ये हमारे प्लांट्स में हो जाते हैं और अक्सर ये बारिश के सीज़न में होते हैं। वैसे तो मैंने इनको कब नहीं देखा है, लेकिन ये बारिश के सीज़न में अक्सर आ जाते हैं। तो यदि जब भी कभी आपके किसी भी प्लांट्स की पत्ती खाई हुई सी लग रही हो तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि आपके प्लांट्स में कैटरपिलर हो गए हैं और बहुत जल्दी आप उनका इलाज करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका जो प्लांट्स है वो बचे ही ना। ये हमारे प्लांट्स को नुकसान तो पहुंचाते ही, साथ में ये हमें भी बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। यदि अगर ये हमारे इनका एक भी रुआ हमारे शरीर में टच भी कर जाए तो ये इतनी क्षमता रखते हैं कि उस जगह बहुत छोटे छोटे दाने हो जाएंगे चकत्ते जैसे, और काफ़ी पेनफुल भी शुरू हो जाता है, बहुत खुजली होती है उस जगह पर। तो ये कुल मिला के हमारे प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है और हमारे लिए भी हार्मफुल है। तो एक चीज़ का आप अच्छे से ध्यान दें कि ये आपके शरीर में बिल्कुल भी टच ना करे। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय इसके बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपको बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है, आपके घर में ही इसका आप 10 सेकंड में ही इनसे छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपके प्लांट्स में ये एक या दो हैं तो कोई बात नहीं है, आप उनको ऐसे ही निकाल के फेंक दीजिए किसी भी पत्ती अत्ती से। इस तरीके से आप किसी भी डंडी से निकालिए और बाहर फेंक दीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपको मारना नहीं पड़ेगा उनको। तो मैं चेक कर लेती हूँ कि और भी ये हैं कि नहीं हैं। देखिए, मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे ड्रैकना के ही प्लांट्स में अभी पहुँच पाए हैं। तो आप इस तरीके से चेक कर लीजिए अपने प्लांट्स में कि अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप इस तरीके से उनको डंडी से, किसी भी डंडी से हटा दीजिए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी ये मेरे किसी और प्लांट में पहुँचे हैं। तो फ्रेंड, मैं एक आज आपको बहुत ही आसान सा उपाय बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैं इनको आपको अलग लेके आई हूँ ताकि आप अच्छे से इनको देख पाएँ, और मैंने इनमें प्लांट्स में नई एक्सपेरिमेंट किया है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक गिलास में पानी और उसमें डालेंगे एक चम्मच डिटर्जेंट। कोई भी आप डिटर्जेंट पाउडर यूज कर सकते हैं जो कि आपके सभी घरों में पाया जाता है। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसको मिला दूंगी। तो हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, फिर इसके बाद हम इसी पानी को इन कैटरपिलर के ऊपर यूज करेंगे। 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा इनको मरने में। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से डाल दिया है। तो बहुत ही आसान सा ये मैं आपको उपाय बता रही हूँ और इसमें कोई भी आपका कोई भी खर्चा नहीं है, आपको कोई भी दवा का यूज नहीं करना है। तो आप खुद ही आप सामने से ही देख सकते हैं। ये देखिए, ये अब 10 सेकंड भी नहीं लगा है इनको ख़त्म होने में। ये देखिए, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, मर गए हैं। ये देखिए, अब ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। मैं इनको थोड़ा सा टच करके देख लेती हूँ कि ये ज़िंदा हैं या मर गए हैं। तो फ्रेंड, मैंने इनको टच करके देख लिया है और ये अब मर चुके हैं। तो फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा कि आप
किस तरीके से इनको ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ।